फ्रेंड्स, सभी को राम राम। वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें शेयर किए छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स, जिसे आप यूज करके अपने डेली के कामों को बेहद आसान बना सकते हो। खास बात तो ये है कि आज इस वीडियो में मैंने तेल में कोलगेट किस लिए डाला है और क्यों यूज करते हैं ये बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो देर किस बात की, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले टिप्स आती है इस तरह के बैंगल्स को लेकर। हम सारी लेडीजें ऐसे बैंगल्स यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ना मार्केट से कुछ छोटी बैंगल्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारी हाथों में आसानी से नहीं जाती हैं, और हम जब पहनने जाते हैं तो हमारे बैंगल्स ना टूट जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके बैंगल्स भी नहीं टूटेंगे। और हमारे इतने महंगे महंगे बैंगल्स होते हैं जो देखिए कितने नग वगैरह लगे रहते हैं, अगर हम कहीं पहन के जाते हैं पार्टी वगैरह में, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें पानी वगैरह नहीं लगाएंगे जिससे हमारी चूड़ियां ना, ये बैंगल्स और चूड़ियां खराब नहीं होंगे। तो मैं बहुत ही अच्छे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी ना तो चूड़ियां खराब होंगी और आसानी से आपके हाथों में चली जाएंगी। तो आप लोग को क्या करना है, आपको ले लेना है एक ऐसे पॉलोथीन, सबके घर में ऐसे कवर तो होता ही है, और आपको आसानी से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब कभी भी आपको चूड़ियां अपने हाथों में पहननी हो ना, तो बस एक छोटा सा काम कर लेना है, हाथों में अपने एक कवर डाल लेना है इसी तरह से, और आसानी से छोटी चूड़ियां आपके हाथों में चली जाएंगी और बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना तो चूड़ियां टूटेंगी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि चूड़ियां पहनते टाइम हमारे हाथों के में चूड़ियां टूट जाती हैं और फिर वो हमारी नई नई चूड़ियां ना ख़राब हो जाती है। देखिए, हमने एक कवर की सहायता से अपने हाथों में बहुत ही अच्छे से छोटी चूड़ियां आप अपने हाथों में पहन सकते हो। तो है ना बहुत ही अच्छे टिप्स। और क्या करना है, देखिए, जब हम चूड़ियां पहनते हैं तो फिर हमें काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारी चूड़ियां खराब भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो आप लोग को क्या करना है, हम सभी के घर में ऐसे कुछ सॉक्स होते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं और उसे ऐसे ही रख देते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सॉक्स तो एक साइड से खुला ही होता है, उसकी आपको ना दूसरे साइड से आगे की साइड से काट भी लेना है, दोनों साइड से इसका मुंह खुला होना चाहिए। तो देखिए, हमने इस सॉक्स को ना काट लिया है, अब ये दोनों साइड से खुल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि जिससे हमारी चूड़ियां सेफ रहें, बिल्कुल भी हमारी चूड़ियां पानी लगने से खराब ना हो। तो बस आप लोग को बस ये जो सॉक्स हमने काटा है दोनों साइडों से, इसके अपने हाथों में पहन लेना है और चूड़ियों में अच्छे से फंसा लेना। आप देखोगे अपना सारा काम कर लोगे, बर्तन धोना है या कुछ भी काम करना है, आपकी चूड़ियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, जैसे कि जैसी सेफ रहेंगी और एकदम से नई बनी रहेंगी। तो बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। आप जब कभी भी आपको काम करना है तो आप अपने हाथों में ऐसे ही सॉक्स को फंसा लीजिए और अपना घर का सारा काम कर लीजिए। तो भाई होप आप लोग को भी ये टिप्स पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना। चलते हैं अपनी अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स आती है फ्रेंड, ये बचे हुए फॉइल पेपर, बचे हुए मींस मतलब जो हम यूज कर लेते हैं फॉइल पेपर, इसका इस्तेमाल हम बहुत ही काम अच्छे कामों में लेके आने वाले, क्योंकि जब कभी भी फॉइल पेपर वेस्ट हो जाता है तो हम इसको रख लेते हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसे हम यूज करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, जब कभी भी आपके पास फॉइल पेपर यूज हो जाए तो उसको फेंके नहीं, बिल्कुल भी आप अपने इसको बहुत ही अच्छे कामों में ला सकते हैं। तो देखिए, हमने सारे फॉइल पेपर को रख लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है जिससे आपका काम आसान हो जाए और बिल्कुल भी कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम सारी लेडीजें काम करते करते हमारे हाथों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि हमारी फिंगर जो होती हैं बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो आपको फॉइल पेपर लेके अच्छे से ऐसे रोल कर लेना है और अपने हाथों में अच्छे से रोल करना है, जिससे आपकी जितनी भी नसें जो होती हैं ब्लॉक हो जाते हैं ना, बहुत ही अच्छे से खुल जाएंगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है, जो हमारा ये सिल्वर पेपर होता है ना, आपको ऐसे हाथों में एक्सरसाइज टाइप का करोगे ना, तो आपके जितने भी बाल झड़ते हैं ना, बहुत ही अच्छे से वो बाल झड़ना रुक जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि हमारे जो ये फॉइल पेपर होते हैं ना, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको बस आपके हाथों का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपके बाल जो झड़ना ज़्यादा होते हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे। तो साथ ही साथ आपको एक भी और अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी आपके हाथों में दर्द होना, तो आप बस बचे हुए फॉइल पेपर को ऐसे करिए और आसानी से आपके हाथों का दर्द हो जाएगा, आपको कोई भी पेन किलर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे से आपका काम हो जाएगा और फॉइल पेपर भी आपका यूज हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कभी कभी ऐसा जाता है हमारे पैरों के तलवे में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिससे हम दर्द की गोलियां वगैरह लेते हैं और फिर भी हमारा असर नहीं होता, लेकिन हम ज़्यादा दवाइयां खाने से हमारे शरीर पे ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आपको फॉइल पेपर लेना है और अपने पैर के नीचे रख के ऐसे आपको रोल रोल करना, देखोगे बस आपको 4-5 मिनट तक करना है, आपका दर्द ना जो बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और आपका फॉइल पेपर ही बहुत ही अच्छे से यूज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे टिप्स, आई होप आपको भी पसंद आए। आप लोग भी कढ़ाई में या तेल में
कोलगेट क्यों लगाएंगे और किस लिए लगाएंगे। देखिए जब कभी हम पूरी पराठे वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो हमारे कढ़ाई में ऐसे तेल लग जाते हैं जिससे उसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हमारी कढ़ाई काफ़ी जल भी जाती है। देखिए सिल्वर की कढ़ाई होती है ना तो उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखने लगता है, हमारे ऑयल के दाग ऐसे पीले पीले दिखने लगते हैं जिससे उसे छुड़ाने में ना बहुत परेशानी होती है। तो आप लोग को क्या करना है, बस जब आपकी कढ़ाई में ज़्यादा तेल लग जाए तो आपको ले लेना है कोलगेट और अपने सारे कढ़ाई में अच्छे से लगा देना है। उसके बाद में आपको इसमें डालना है एक छोटा सा और काम करना है आपको तो पहले इसमें कोलगेट डाल देना है, उसके बाद में आपको लेना है नमक। नमक और कोलगेट जब अच्छे से मिलेंगे तो एक बढ़िया सा एक अच्छा सा रिएक्शन होगा और आपके जितने भी कढ़ाई में तेल लगे हैं या फिर जितना भी ज़्यादा जल गई है कढ़ाई ना, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपको अगर आपके पास बचा हुआ फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर से, नहीं तो आपको ब्रश ये जूना ले लेना है, तार वाला हो या कैसा भी हो, और आराम से अपनी कढ़ाई को अच्छे से साफ कर दें। आप देखोगे अपने कढ़ाई के जितने भी तेल के दाग लगे होंगे ना बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे और आपकी कढ़ाई बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी। तो जब कभी भी आपके कढ़ाई में ज़्यादा तेल लग जाए तो बस आपको यही छोटा सा काम करना है, कोलगेट ले लेना है और नमक, बहुत ही आसानी से आपके तेल के दाग निकल जाएंगे और बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से साफ करके दिखाती हूँ कितनी आसानी से जितने भी इसके अंदर तेल लगे हुए थे तेल के दाग वो बहुत ही आसानी से कोलगेट की सहायता से साफ हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग मेरी कढ़ाई कितने अच्छे से साफ हो गई, जितना भी इसके अंदर तेल के दाग लगे थे ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो देखिए जब कभी भी आपके कढ़ाई के अंदर या फिर कोई भी बर्तन के अंदर ज़्यादा तेल चिपक जाए, वो निकल नहीं रहा है, तो आप बस थोड़ा सा कोलगेट डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी और जितने भी तेल लगे होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे। क्योंकि तेल जब लगा रहता है तो तेल हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो आगे से जब कभी भी आपके कढ़ाई में ज़्यादा तेल लग जाएगा ना तो बस ये वाले टिप्स यूज करना और आपका काम ना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे थे हमारे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स जिसे आप यूज करके अपने डेली के कामों को बेहद आसान बना सकते हो। खास बात तो ये है कि एक रुपया भी खर्च नहीं होता और आपका काम आसान हो जाता। तो मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टिप्स एंड हैक्स लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, सभी को राम राम, अपना ख्याल रखना।